ब्रेकिंग न्यूज देखिए, अंबाला से कोरोना वायरस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अंबाला से बड़ी खबर कोरोना वायरस पर, अनिल विज ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। हरियाणा में अभी तक 5 केस सामने आए हैं जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जनवरी में चीन से आए सभी लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा में 5 लोगों की अब तक पहचान हुई है, इन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। 5 में से 2 लोगों में कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। 2 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, ये जानकारी दी है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं कोरोना वायरस पर, प्रदेश के सभी डॉक्टरों को हिदायत दे दी गई है, यह भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। अंबाला से ये बड़ी खबर कोरोना वायरस पर बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कहा है कि पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम मुस्तैद है, बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। जनवरी में चीन से आए सभी लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा में 5 लोगों की अभी तक पहचान हुई, जिनमें से 2 में कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सुनिए जरा विज साहब ने क्या कहा। कोरोना वायरस के लिए सारे हरियाणा में हमने अलर्ट जारी कर दिया है, और जनवरी माह में जो भी लोग चाइना से होकर आए हैं उन सारों को ट्रैक किया जा रहा है, और ऐसे 5 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। 5 में से 2 में कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। बाकी सारे लोगों पर, उनके परिवारों पर नज़र रखी जा रही है, और उसके लिए हमने त्वरित जो एक्शन टीमें हैं वो हमने बना दी हैं, जो सारा उनका निगरानी कर रही हैं, देखरेख कर रही हैं, और अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो इसकी कोई एज ए इसके नाम से कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है इसके नाम से, इसके जो सिम्टम्स पर आधारित ही दवाई दी जाती है। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितना तैयार है हरियाणा राजकुमार? जी बिल्कुल, आज अनिल विज ने जो है इसके आदेश कर दिए हैं, और हर हॉस्पिटल में जो है इसके आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। और हम जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल को दिखा रहे हैं, जिसमें भी जो है आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए। इसी तरह प्रदेश के पूरे हॉस्पिटल जो है अलर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो जनवरी माह से चाइना के टूर पर गए थे और वापिस आए हैं, उनके लोगों में 5 लोगों में इस प्रकार के जो है जांच की गई, जिसमें 2 में वायरस पाया गया। और उनका कहना है कि ये जो कोई खास किस्म की इसमें दवाई नहीं होती, क्योंकि सर्दी जुकाम में जो ठंड में जो जुकाम लगता है या खांसी होती है, इससे भी जो है ये कोरोना वायरस पाया जाता है, और इसकी आम ही दवा है। अभी ऐसी कोई स्पेशल दवा नहीं बनी है कि जिससे इसको इस मरीज को दी जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि हालांकि कोई हरियाणा में ऐसा जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि विज साहब ने जो कहा है कि डॉक्टर्स मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी है, हरियाणा निपटने को तैयार है, वो तैयारी क्या है? दर्शक ये जानना चाह रहे हैं राजकुमार इस वक्त कि कोरोना वायरस से जो बीमारी उनको होगी वो लाइलाज तो नहीं है ना कहीं? ज्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कुछ कह रहे थे विज साहब, थोड़ा और विस्तार में बताएं। विज साहब का ये कहना था कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज बीमारी हो, क्योंकि इंडिया में वैसे भी ये जो चाइना से लोग आते हैं उनके थ्रू ही आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर खांसी जुकाम नजला और इसका ही ये है लेकिन उसके बावजूद जो है इनके ऊपर जो निगाह रखी जा रही है, उनका कहना है कि आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। अगर इस प्रकार की कोई दवा हुई भी तो उसको भी हुआ। लेकिन जो खबरें आ रही है कोरोना वायरस की वजह से चीन में भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है, बेहद ज्यादा भारी संख्या में वहां पर मरीजों की पुष्टि हुई है, सीमा से लगते कई देशों ने तो चीन के साथ बॉर्डर ही सीज कर दिए हैं, वहां से आए 2 लोगों में कोरोना वायरस का पाया जाना, उसके बाद क्या लोगों को जागरूक करने के लिए, सिम्टम्स समझाने के लिए सरकार कोई बोर्ड वगैरह भी लगा रही है? कैसे लोगों को बताएगी कि आप कोरोना वायरस से इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे लोगों को लक्षण पता लगेंगे, क्या सरकार इस संदर्भ में भी कुछ कर रही है? राजकुमार कहना है कि इस बारे में जो है बुनियादी कराई जाएगी, और जगह जगह इस प्रकार के बोर्ड भी लगाए जाएंगे, और यहाँ तक कि कैंप भी लगाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर लोग आम लोगों को समझाएंगे कि ये जो वायरस है क्या वायरस है, और यहाँ इसका कितना असर है, और इसकी क्या दवाई होगी, और इसके क्या लक्षण है, और किस तरह इससे बचा जा सके। ये पूरे प्रदेश भर में अलर्ट कर दिया गया, डॉक्टरों को जो है हिदायत दे दी गई है कि यहाँ आने वाले मरीजों को समझाएं और उनको बताएं कि ये क्या वायरस होता है और इसकी क्या लक्षण है। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार।
आगे क्या तैयारियां की जाती है? हाई अलर्ट पर है कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश, लेकिन इस अलर्ट के तहत क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।